अस्सलाम वालेकुम ग्रेड फोर। टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर फोर विच इज़ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस वो होती हैं जो हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो जो फ्रैक्शन आएगी, आंसर आएगा, वो उस फ्रैक्शन की इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होगी, मतलब उसके बराबर होगी, इक्वल होगी। लाइक 1/3 इफ़ वी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर विद 3, सेम नंबर से हम करें तो जो न्यू फ्रैक्शन आएगी वो क्या होगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगी। जैसे उन्होंने कहा है कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9, तो ये क्या है, 1/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसको अगर हम दोबारा से कटिंग करके इसको रिड्यूस करें तो ये दोबारा से इसी फॉर्म में वापस आ जाएगी। नेक्स्ट इज 3 × 4 इज़ इक्वल टू 12 एंड 4 × 4 इज़ इक्वल टू 16, सो 12/16 इज़ इक्विवेलेंट टू 3/4। इसी तरह आपने इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जो उन्होंने ये सर्कल में दिए हुए हैं, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बन जाएंगी। दिस इज़ 7/7 एंड 7/7। आपने 7 को 7 से ही डिवाइड करना है। 7/7 इज़ इक्वल टू 1 एंड 7/7 इज़ इक्वल टू 1। तो ये देखें, इस 7/7 के इक्विवेलेंट जो है वो 1/1 इज़ इक्वल टू 1, ये सेम इक्वल आ गई है। इन दोनों को भी अगर हम कटिंग करें, 7 1s are 7, 7 में, तो वो सेम आ जाएगी। नेक्स्ट इज़ 3/3 एंड 6/3, 3/3 इज़ इक्वल टू 1 एंड 6/3 इज़ इक्वल टू 2। तो आपने सेम ऐसे ही जो उन्होंने आपको मेंशन किया हुआ है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, वैसे ही आपने करना है। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगी। सो दिस इज़ एक्सरसाइज नंबर 4, दिस इज़ योर होमवर्क। जज़ाकअल्लाह।